व्यूवर्स, यकीनन आप बच्चों की बहुत सी बीमारियों से फैमिलियर होंगे जो बच्चे की जान ले लेती हैं, मगर एक ऐसी बीमारी जिसने मोर्टेलिटी की हदों को इस तरह छुआ है कि बाकी तमाम बीमारियों को पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान में रिकॉर्ड होने वाली सबसे ज्यादा शराय अमवात इसी बीमारी यानी कि डिहाइड्रेशन की वजह से ही रिकॉर्ड की गई है। नाज़रीन, बड़े जब डिहाइड्रेशन का शिकार होते हैं तो उनकी बॉडी इससे कॉप अप कर लेती है, मगर बच्चे इसके साथ फाइट नहीं कर पाते। जी हाँ, डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी बच्चों की तेजी से जान ले रही है। डिहाइड्रेशन से रेलेवेंट पब्लिक अवेयरनेस बहुत कम है, सो हमारे चैनल ने सोचा क्यों ना हम आवाम को अवेयर करें बच्चों में मौत की इस वजह से। हमारे चैनल पे आपको कंप्लीट गाइडलाइन मिलेगी जिसमें हम इसकी अलामत, असबाब और इसके इलाज को डिस्कस करेंगे, मगर इस वीडियो में हम इसकी अलामत पे डिटेल से बात करने वाले हैं, जबकि इसके रीजंस और इसका ट्रीटमेंट हम अपनी अगली वीडियोस में कवर करेंगे। सो जानने के लिए बहुत ही कीमती और मुफीद मालूमात हमारे चैनल से जुड़िए रहिए, और पब्लिक में शऊर पैदा करने की हमारी ये छोटी सी काविश अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करते हैं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वेलकम इन आवर चैनल विजडम इन साइड आउट। नाजरीन, डिहाइड्रेशन एक ऐसी बॉडी कंडीशन है बच्चों में जिसको अक्सर माएँ इग्नोर कर देती हैं, या फिर माओं को इससे मुतलक अभी इतना शऊर ही नहीं है कि उन्होंने किस तरह नोटिस करना है कि उनका बच्चा डिहाइड्रेशन से गुजरा है या नहीं। मगर ये बात याद रखिएगा कि डिहाइड्रेशन बच्चों की तेजी से जान ले रही है। बच्चों में होने वाली अमवात में सबसे ज्यादा तादाद उन बच्चों की थी जो डिहाइड्रेशन के बाइस मर चुके, क्योंकि उनके वालिदैन इसके मुतलक अवेयरनेस ही नहीं रखते थे। सो आज हम बात करने जाएंगे उन अलामात के बारे में जो अगर आपके बच्चे में हैं तो जान लीजिए कि आपका बच्चा डिहाइड्रेशन से गुजर रहा है, फौरन अलर्ट हो जाइए, और जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके ट्रीटमेंट बताएंगे उनको इस्तेमाल करते हुए अपने बच्चे की जिंदगी को महफूज कर लीजिए। सबसे पहली पहचान डिहाइड्रेशन की यूरिनेशन से की जाती है। अगर तो आपका बच्चा यूरिन कम करने लग गया है, गहरे पीले रंग का करने लग गया है और यूरिन में तेज किस्म की स्मेल है, यानी कि अगर मैं इनको एक वर्ड में बयान करूं तो कंसंट्रेटेड यूरिन कर रहा है, ये क्लियर और वाजे सिम्टम होता है कि आपका बच्चा डिहाइड्रेटेड बॉडी पोजीशन में है। अब हमारे यहाँ कॉमनली माएं बच्चा फिजिकली बीमार हो तो ही समझती हैं कि बच्चा बीमार है, और यूरिन का कम आना या गहरा आना इसकी तरफ माएं कोई खास तवज्जो करती ही नहीं, हालांकि बच्चे की बॉडी सीवियर डिहाइड्रेशन से गुजर रही होती है। दूसरा साइन इसका होता है कि बच्चे के मुंह और जुबान खुश्क होने लगते हैं। यकीनन ये भी वो वजह है जिसकी तरफ माओ की तवज्जो नहीं जाती। मुंह और जुबान का खुश्क होना ये बात जाहिर करता है कि आपका बच्चा डिहाइड्रेट हो रहा है। और तीसरी निशानी इसकी होती है आंखों की चमक और जिल्द की ताजगी में कमी आ जाना। यकीनन ये भी वो वजह है कि जिसकी तरफ माओ का ध्यान ज्यादातर नहीं जाता। एक सेहतमंद बच्चे की आंखों में बकायदा तौर पर नमी देखी जा सकती है और उसकी जिल्द फ्रेश और तरोताजा होती है, लेकिन अगर आप महसूस करें कि बच्चे की जिल्द पर रिंकल्स आने लग गए हैं और वो एक मुरझाई हुई अपेरेंस दे रही है तो इसका मतलब है कि बच्चे की बॉडी डिहाइड्रेट होना शुरू हो चुकी है। नाज़रीन, अगर ये अलामत आप अपने बच्चे में देखें तो फौरन से अलर्ट हो जाएं, क्योंकि बच्चा डिहाइड्रेशन से गुजरना स्टार्ट हो चुका है, जो कि अगर फौरी तौर पे ट्रीट ना किया गया तो ये डिहाइड्रेशन किसी भी हद तक जा सकती है और खुदा ना खास्ता आपके बच्चे की जान भी ले सकती है। सो अलर्ट हो जाइए, और जानने के लिए कि आपको आगे करना क्या है हमारी अगली वीडियो का इंतजार करें जिसमें हम बताने जा रहे हैं आपको इसका ट्रीटमेंट, मगर उससे पहले हम अपनी एक वीडियो में कवर करेंगे इसके रीजंस ताकि आपको पता चल सके कि ट्रीटमेंट करने के बाद बच्चे को मजीद डिहाइड्रेशन से कैसे बचा के रखना है। होप सो आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिए, और अगर आप इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस से मुस्तफीद होना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ट्यून्ड फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।